आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। साल के युवाओं को चपेट में ले रहा ओमिक्रॉन, दुनिया में 24 घंटे में 13 मौतें। देश में खतरनाक तरीके से बढ़ रहा ओमिक्रॉन, सिर्फ 5 दिनों में 4 गुना बढ़कर 216 पहुंची संक्रमितों की संख्या। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, सब इंस्पेक्टर समेत 9 सस्पेंड। संसद सत्र के बाद तेलंगाना दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब, AQI 385 पहुंचा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। खबर बुलंदशहर से है, जहां बसपा के विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी के सभी पदाधिकारी रालोद में शामिल हो गए। बसपा के पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र सिंह ने बसपा के सैकड़ों पदाधिकारियों को रालोद की सदस्यता दिलाई। कुछ दिन पहले ही बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुए थे पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र सिंह, जिसके बाद अब उन्होंने अपने निजी आवास पर सपा के पदाधिकारियों को रालोद की सदस्यता दिलाई। आज बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा कमेटी, जिनके हमारे रविंदर भाई विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हैं, और सेक्टर कमेटी और हमारे के सम्मानित जो हमारे SC प्रधान और अन्य प्रधान हैं, वो आज हमारे सारे BSP छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं। विधानसभा कमेटी के सदस्य और सेक्टर कमेटी के सदस्य और ग्राम प्रधान, कितने लोग लगभग है। चुनाव आते ही दल बदलने का दौर शुरू हो गया है, और अब बुलंदशहर से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां पे बसपा के विधानसभा सेक्टर और बूथ कमेटी के सभी पदाधिकारी रालोद में शामिल हो गए हैं। तो दल बदलते हुए नजर आ रहे साफ तौर से, बसपा के पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र सिंह ने बसपा के सैकड़ों पदाधिकारियों को रालोद की सदस्यता दिलवाई, और साथ ही कुछ दिन पहले बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुए पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र सिंह, जिनके बाद अब उन्होंने अपने निजी आवास पर सपा के अन्य पदाधिकारियों को भी रालोद की सदस्यता दिलाई है। तो पार्टी छोड़कर रालोद में शामिल हो गए हैं, और सदस्यता बाकी कार्यकर्ताओं को भी दिलाते हुए नजर आए। बुलंदशहर से ये खबर सामने आ रही है, जहां दल बदलने का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव आते ही सभी ज्यादातर नेता और विधायक अपनी अपनी पार्टी बदलने में लगे रहते हैं, अच्छे पद के लिए और टिकट के लिए। लेकिन इस बार ऐसा ही देखने को फिर से मिल रहा है, और बताया जा रहा है कि चुनाव के टाइम ऐसा होना आम बात है, क्योंकि चुनाव है तो लोग दल बदलेंगे ही, टिकट की लालच में हो या फिर जो है किसी भी प्रलोभन में हो, और यही कुछ देखने को बुलंदशहर से भी मिल रहा है। मामला अलीगढ़ जिला कारागार का है, जहां एक युवक ने सीवर टैंक में कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोपी सामूहिक हत्या के मामले में 13 जनवरी को जेल लाया गया था, जिसकी पेशी होनी थी। पेशी पर ले जाने के लिए युवक का नाम कई बार बुलाया गया, लेकिन युवक बाहर नहीं आया। वहीं बाहर नहीं आने पर जेल प्रशासन ने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ समय बीत जाने के बाद जब जेल प्रशासन ने जेल के CCTV कैमरे खंगाले, तो युवक सीवर टैंक में जाता दिखाई दिया। आज हमारे एक बंदी भाई मोनू साना विष्णु दी हाथरस के रहने वाले थे, हाथरस जंक्शन के, और 302/34 IPC में निरुद्ध थे। अभी 13 नवंबर को ही इनकी निरुद्धि थी, और इनके दो साथी और थे, किसी प्रेमिका वगैरह के प्रकरण जो भी था ये अलग बात है, लेकिन आज इनकी पेशी थी VC से। तो आज जब इनकी पेशी पे इनका नाम अनाउंस किया जाने लगा, तो ये पता नहीं चले कहाँ गए। थे तो अपने हाथे में, लेकिन 23 नंबर के ही हाथे में पीछे जो है, जब नंबरदारों के बदलने का टाइम होता है, तो उस समय ये
गटर का ढक्कन खोल के संयोग से वो गटर भर गई थी, उसकी सफाई होनी थी, उस ढक्कन को खोल के उसमें इन्होंने। खबर गोरखपुर गीडा थाना क्षेत्र के नौशर चौकी के एकला बंधे की है, जहां आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। जब मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद घर आया तो परिजन इस बात से नाराज हो गए कि नगर निगम अधिकारियों ने एक विज्ञप्ति जारी करके 1,00,000 रुपए का आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी। वहीं परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक मृतक के परिजनों को कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गोरखपुर बनारस नेशनल मार्ग पर शव को रखकर जाम लगा दिया, जिस कारण लगभग 2 किलोमीटर तक वाहनों का तांता लग गया। जो हमारे कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी थे, ये नगर पुल पे, राजघाट पुल पे इनका नौकरी, मतलब अपना सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते दौरान एक ट्रक वाले ने, टाली वाले ने इसको टक्कर मार दिया। उसी वक्त आंधेपेट सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ से रेफर किए, ये चले गए वहाँ मेडिकल, वहाँ पे जाने के बाद आधे रास्ते में इनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो न्यूज बना, ये नगर निगम के तरफ से जो न्यूज आया था कल के, जो नगर निगम के तरफ से न्यूज आया था, ये लिखा गया था उसमें कि रात को ही इनको, इनके घर पे 1,00,000 का चेक दिया गया, जो कि सरासर फर्जी है। यहाँ तक कि कोई देखने तक भी नहीं आया था, घर पे कोई हाल चाल भी लेने नहीं आया, ऊपर से कह रहे हैं कि 1,00,000 का चेक दे दिया गया है। मांग हमारा यही है कि इनके परिवार वालों को कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की नगद मिले, और उसके बाद से इनके फैमिली वाले, इनके पत्नी को नौकरी मिले, वो भी गवर्नमेंट नौकरी मिले, संविदा पे नहीं, ठेका पे। खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगने के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। सलोन ब्लॉक मिशन मैनेजर की तानाशाही रवैये से महिलाओं का पीएम के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सपना अधूरा रह गया। रजिस्टर में नाम अंकित करते ही सलोन ब्लॉक मिशन मैनेजर रजनीश ने कई महिलाओं को धक्का मारकर बस से नीचे उतार दिया, जिससे महिलाएं खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गई। तो रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं, और धरने पर बैठने की वजह है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ना पहुंच पाना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगने के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। सलोन ब्लॉक मिशन मैनेजर की तानाशाही रवैये से महिलाओं का पीएम के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सपना था, वो अधूरा रह गया। रजिस्टर में नाम अंकित करने की सलोन ब्लॉक मिशन मैनेजर रजनीश ने कई महिलाओं को धक्का मारकर बस से नीचे उतार दिया, जिससे महिलाएं खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गई। में हम लोग जुड़े, बुलाया गया है कि वहाँ मोदी के योजना में चलना है। हम लोग आए पर पता लगा कि कार्ड, वो आधार कार्ड फोटो लगेगा, कार्ड बनेगा। हम लोग ने जमा किया, वापस कर दिया, कार्ड नहीं दिया गया, डोरी पहना दिया गया, बस पर चढ़े किन धक्के मारकर उतार दिया गया कि यहाँ अब तुमको नहीं जाना है। सर रजनीश ने। वहीं अब खबर संभल बहजोई कोतवाली के पुलिस चौकी पाठकपुर का मामला है, जहां चोरी करते समय ग्रामीणों ने एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसकी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान चोर गिरोह के 2 सदस्य भागने में सफल रहे, और पकड़े गए एक चोर की सूचना पुलिस को देकर आरोपी को पुलिस के हवाले सौंप दिया गया है। तो ग्रामीणों को सफलता हाथ लगी है, जहां उन्होंने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये खबर संभल बहजोई कोतवाली के पुलिस चौकी पाठकपुर की बताई जा रही है। जहां चोरी करते हुए रंगे हाथों ग्रामीणों ने एक युवक को समय रहते पकड़ लिया, और पकड़कर जिसकी जमकर पिटाई भी की गई। इस दौरान चोर के गिरोह के कुछ सदस्य भागने में सफल रहे, और पकड़े गए एक चोर की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को अपने कब्जे में ले गया। अगली खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन पर शहर कोतवाली संतोष अवस्थी वहां ने शहर में पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने शहर के रोडवेज बस अड्डे पर जाकर ARMRK चौधरी से बातचीत की, और
पब्लिक द्वारा बनाए गए रैन बसेरे में जाकर कर्मचारी से रैन बसेरे में आने वाली मुसाफिरों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों का आधार कार्ड, उनकी फोटो खींचकर उनका नाम पता रजिस्टर करने की सलाह दी है। तो रैन बसेरे में जाकर वहां का हाल जाना और लोगों से उनकी जानकारी ली। खबर रायबरेली डलमऊ थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने लगातार दूसरे दिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए तीसरी अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़ी है। इस दौरान पकड़े गए सभी असलाह बनाने वाले से पूछताछ की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए और असलाहों की मांग को देखते हुए फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जबकि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से कई बने और अधबने हथियार बरामद किए गए हैं। अधीक्षक महोदय द्वारा रायबरेली में चुनाव के मद्देनज़र जो सघन चेकिंग और तलाशी के अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी क्रम में एक डलमऊ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कुमार है, इसके पास से एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री बरामद की गई, जिसमें से दो अदद तमंचे उसके पास बने, कुछ अर्धनिर्मित तमंचे और तमंचे बनाने का जो कारखाने के उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो बरामद किए गए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इन तमंचों की सप्लाई वो आगामी चुनाव के लिए कर सकता था। ये डलमऊ पुलिस का एक अच्छा गुड वर्क है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र की है, जहां कई इलाकों में चोरी की वारदातों से दहशत फैलने वाले चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से आभूषण समेत चोरी की एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे अलग अलग थाने में दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।